हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यामाहा एफजेड एसएफआई V3 के बारे में बात करने वाले हैं। यामाहा ने कल यानी 1 दिसंबर 2020 को अपनी एफजेड एस को विंटेज एडिशन में लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं कि हमें एफजेड एस V3 के विंटेज एडिशन में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हम इसके प्राइस और ये कब शोरूम में देखने को मिलेगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। यामाहा एफजेड एस V3 के स्पेशल विंटेज एडिशन में टोटल 5 चेंज किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम ये 5 चेंजेस के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट चेंज, न्यू कलर। विंटेज एडिशन में आपको स्पेशल कलर का ऑप्शन मिल जाता है। आप अभी जो बाइक देख रहे हैं ये विंटेज ग्रीन एडिशन कलर में लॉन्च किया गया है। सेकंड चेंज की बात करें तो आपको अब इसमें न्यू ग्राफिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये नया ग्राफिक्स है, तो ये इसका ग्राफिक्स इस टाइप का दिया गया है, ये जो कि देखने में ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये इसका सेकेंड चेंज हो गया, आपको अब विंटेज एडिशन में एक न्यू ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। थर्ड चेंज की बात करें तो आपको विंटेज एडिशन में प्रीमियम लेदर सीट देखने को मिलेगा। यामाहा एफजेड एस V3 में आप इसको बिग चेंज बोल सकते हैं। आपको इसमें सिंगल सीट पीस देखने को मिलेगा। इसमें 2-लेवल सीट क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है, जिससे आपको अच्छा कंफर्ट मिल पाए। आरामदायक राइडिंग पोजिशन के लिए इसमें आपको ज़्यादा कुशनिंग भी मिलने वाला है। इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ राइडर सीट को ही कंफर्ट बनाया गया है, बल्कि पिलियन राइडर के लिए भी इसमें सेम कुशनिंग होने वाला है। विंटेज एडिशन में पिलियन सीट 16% ज़्यादा सीटिंग सरफेस एरिया को इंक्रीज किया गया है, और 26 mm वाइडर मतलब 26 mm ज़्यादा चौड़ा हिप एरिया बनाया गया है। मतलब हमारे बम्प एरिया में भी 26 mm ज़्यादा चौड़ा बनाया गया है पहले की तुलना में, और 5 mm पतला भी बनाया गया है, जिससे आपको अच्छा कम्फर्ट मिल पाए। तो इतना सारा चेंज आपको इसके सीट में देखने को मिलने वाला है। फोर्थ चेंज की बात करें तो अब अपने बाइक को आप फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वाया ब्लूटूथ, जिसका नाम यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट एक्स है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जैसे राइडिंग हिस्ट्री, लोकेट माई बाइक, ई लॉक, हजार्ड, पार्किंग रिकॉर्ड एंड फोन रिलेटेड फीचर ऑफ एंसर बैक। तो अगर आपको जानना है कि ये ऐप वर्क कैसे करता है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। फिफ्थ चेंज, आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल में देख सकते हैं, जिसमें आपको नेगेटिव LCD देखने को मिलेगा। जो LCD है उसका बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा, और जो लेटर्स रहेंगे वो वाइट में लिखा हुआ आएगा। तो ये कुछ चेंज आपको यामाहा एफजेड एस में देखने को मिल जाएगा, जो अब विंटेज एडिशन में है। बाकी और कुछ चेंज नहीं किया गया है, सारे चीज़ बिल्कुल पहले की तरह सेम है। अब बात करते हैं प्राइसिंग को लेकर। यामाहा एफजेड एस एफआई V3 में 3 वेरिएंट आते हैं, स्टैंडर्ड, डार्क नाइट और विंटेज। स्टैंडर्ड का एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली का है 1,04,700 रुपये, डार्क नाइट का है 1,07,700 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली, और विंटेज का है 1,09,700 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली। तो ये सारे जो प्राइस है वो दिल्ली एक्स शोरूम का प्राइस हो गए हैं। तो अगर आप प्राइस देखें तो जो विंटेज एडिशन का प्राइस है वो और वेरिएंट से थोड़ा कॉस्टली है। तो यहाँ पे कुछ ये थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकता है, 2,000 रुपये थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है पुराने वाले वेरिएंट से। अब बात करते हैं कि ये बाइक आपको शोरूम में कब देखने को मिलने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही आपको डीलरशिप में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप मानकर चलिए कि 10 दिसंबर से आपको शोरूम में ये बाइक देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप ये बाइक को लेना चाहते हैं तो आप अभी भी बुक कर सकते हैं। बाकी ये होपफुली 10 दिसंबर से आप इसकी डिलीवरी और शोरूम पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे यामाहा एफजेड एस V3 विंटेज एडिशन के कुछ डिटेल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बाइक रिलेटेड कंटेंट पे वर्क करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।